السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت قابل احترام بزرگو بھائیو اور دوستو پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایک طریقہ آپ کی ہمیں سکھائی گئی ایک ایک سنت ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وہ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے اور آخرت کے معاملات میں سوائے آسانی کے اور سوائے ہمارے فائدے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو یہ سوچے کہ میرے نبی نے مجھے کوئی طریقہ بتایا ہے کوئی سنت بتائی ہے کوئی عمل اور کوئی حکم بتایا ہے اور وہ فائدے سے خالی ہے وہ دنیا اور آخرت کے فائدوں سے خالی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں آج کل دماغ پر یہ سوچ سوار ہے اور ہر مسلمان کے دماغ پر یہ سوچ سوار ہونی چاہیے کہ کیسے میں اپنی زندگی کو اپنے پیارے نبی کی زندگی کے مطابق بنا لوں آپ کی بتائی ہوئی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں جیسے کہ آپ کو معلوم بھی ہے آپ علماء سے سنتے بھی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے زندگی کا کوئی شعبہ کوئی حصہ نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں ہمیں آپ نے کوئی چیز نہ سکھائی ہو کوئی چیز نہ بتائی ہو آپ کی تعلیمات اس حوالے سے موجود نہ ہوں کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے میرے ذہن میں ایک بات آج یہ آئی کہ ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا ایک نہایت ہی اہم رکن نماز ہے آپ سب کو معلوم ہے نماز کی اہمیت نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت واضح ہیں آپ سب کو معلوم ہے لیکن یہاں جو بات آپ حضرات کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل شروع سے لے کر آخر تک سکھایا ہمیں جب دنیا میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اس کو اہم کام سمجھتے ہیں
तो उसके लिए क्या कुछ कोशिश नहीं करते। फर्नीचर लेना है घर के लिए, फर्नीचर लेना है। अब एक घर का फर्नीचर लेने के लिए या एक बेडरूम का फर्नीचर लेने के लिए पहले तो मार्केट की कई दुकानों का चक्कर लगाएंगे, डिज़ाइन मालूम करेंगे, रेट लेंगे, यहाँ तक के लकड़ी के बारे में मालूमात करेंगे, जो कि हमें मालूम आमतौर से नहीं होता। लकड़ी की किस्मों का हमें आमतौर से पता नहीं होता, लेकिन हम उस एक फर्नीचर को ख़रीदने के लिए लकड़ी की भी तमाम किस्मों की मालूमात हासिल करेंगे। फिर बाज़ार से और मार्केट से ये सब चीज़ें मालूम करने के बाद अपने जान पहचान वाले लोगों में, अपने रिश्तेदारों में भी ज़िक्र करेंगे कि शायद किसी का कोई फर्नीचर वाला जानने वाला हो, और अगर इस तरह कोई ताल्लुक़ वास्ता निकल आया तो मुमकिन है कि वो हमें और अच्छा फर्नीचर बनाकर दे दे। तो आप देखिए कि एक चीज़ को अहमियत दी, एक चीज़ का ख़्याल आया जहन में कि उसको अच्छे से अच्छे अंदाज में करना है, तो उसके लिए कितनी मेहनत की, कितनी भाग दौड़ की। लेकिन नमाज जो दीन का सबसे अहम शोबा है, हमने बचपन से जैसी नमाज सीखी, आप मुझे सच सच बताएं कि आज तक वैसी ही पढ़ते आ रहे हैं या नहीं। नमाज के अंदर दो चीज़ें हैं, एक वो इबादत जिसको कौली इबादत कहा जाता है, जिसको हम ज़बान से अदा करते हैं। आपको मालूम है कि नमाज में शुरू से आखिर तक हम मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, इसको कौली इबादत कहते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह नमाज फ़ेली इबादत भी है, इसलिए कि नमाज में हम अपने जिस्म का भी इस्तेमाल करते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो यानी फ़ेली इबादत और अमली इबादत भी है। तो आप हजरात को ये पता होगा कि हम में से हर मुसलमान की नमाज में बेशुमार गलतियां हैं, और हमने कभी इसको ठीक करने का सोचा भी नहीं, सोचा भी नहीं। करना तो बाद में आता है, इंसान को जब घर बनाना होता है तो सबसे पहले वो सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि रातों को नींद भी कम कर देता है, बिस्तर पर जाकर एक घंटा दो घंटा वो सोचता रहता है कि मैं घर कैसा बनाऊं, मेरे फला रिश्तेदार का घर ऐसा है, उसमें इतने कमरे हैं, उसमें लाउंज ऐसा है, उसमें बाथरूम फला जगह पर हैं, उसमें किचन ऐसा है, तरह तरह के ख्यालात सोचता है, प्लान करता है, उसके बाद नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट के पास जाता है, उसकी राय लेता है कि कहीं मैं खुद अपने दिमाग से, अपनी सोच से बनाऊं तो गलत ना बना दूं। ये थोड़े से पैसे लेगा नक्शा बनाने वाला, लेकिन इसको मैं वो पैसे भी दे दूं ताकि अच्छी चीज़ बना कर दे। तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं और खूब सोचते हैं, अमल अभी बाद में होगा, वो घर बाद में बनेगा। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या हम में से हर एक ने आज तक अपनी नमाज को ठीक करने और दुरुस्त करने का सोचा भी। शायद हम में से अक्सर का जवाब ये होगा कि नहीं, सोचा भी नहीं। करना तो दूर की बात, किसी दीनी इल्म रखने वाले, किसी आलिम के पास जाकर उसको अपनी पूरी नमाज बताकर, उसके सामने पढ़कर अपनी नमाज की इस्लाह करवाना तो बहुत दूर की बात। मैंने जैसे आपसे कहा कि हमने शायद अपनी ज़िंदगी के अगर 20 साल गुजार दिए, 30 साल गुजार दिए, 40 साल, 50 साल और 60 साल गुजार दिए, तो हमने वो बचपन में जैसी नमाज पढ़नी सीखी थी उसके बाद से आज तक अपनी नमाज को ठीक करने का कभी इतने सालों में सोचा भी नहीं।
और मैंने जैसे आपसे कहा कि हम में से बास लोगों की नमाज में पढ़े जाने वाले अज़कार, नमाज में पढ़ी जाने वाली चीज़ों में गलतियां हैं। वैसे जिस्मानी तौर पर नमाज सही पढ़ते हैं, खड़े भी ठीक होते हैं, रुकू भी ठीक करते हैं, सजदा भी ठीक करते हैं, लेकिन गलती कहाँ कर रहे हैं? जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं उनमें गलती कर रहे हैं। और बाज़ हमारे दोस्त और अहबाब ऐसे हैं कि जिन्होंने वो पढ़ी जाने वाली चीज़ें बहुत पक्की याद की हैं, किसी अच्छे आदमी से बैठकर उनको ठीक करवाया है, नमाज की किताब के अंदर देखकर उसको ठीक किया है, लेकिन उनकी गलतियाँ वो रुकू में हैं, वो सजदे में हैं, वो खड़े होने की हालत में हैं। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, दुनिया के छोटे छोटे कामों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, क्या कुछ उसके लिए कोशिश नहीं करते, अपने आप को फारिग नहीं करते। हमारे दीन का सबसे अहम रुकन नमाज, जिस पर दीन कायम है, अस्सलातु इमादुद्दीन, जिस पर दीन कायम है, मन हदमहा फ़कद हदमद्दीन। तो ये छोटा सा पैगाम देना आप हजरात को मकसद था कि कुछ वक्त निकाल कर अपनी बकिया ज़िंदगी जितनी रह गई है उसमें इस नमाज को ठीक तरह से अदा करने की फ़िक्र हम करें। ये काम चंद घंटों का है, दिनों महीनों का नहीं, चंद घंटों का। आप हिसाब लगाइए कि हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं 10 से 12 मिनट में, हम जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं 10 मिनट में, हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं 10 मिनट में, और इसी तरह मगरिब और इशा भी तकरीबन 15 मिनट लगा लीजिए आप सुन्नतों के साथ, 5 नमाजों का 1.25 घंटा बनता है। नहीं, 5 नमाजों का 1.25 घंटा जी, 24 घंटे में से 1.25 घंटा, बाकी 23 घंटे अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि आप दुनिया में लगाओ, किसी हलाल काम में, किसी हलाल तरीके से किए गए काम में लगाओ 23 घंटे। वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये उस ज़ात की कितनी बड़ी मेहरबानी है हम पर। अगर वो ये चाहता तो वो हमें ये भी कह सकता था कि पूरे के पूरे 24 घंटे तुम्हें मेरी इबादत के अलावा कोई काम करने का हक नहीं। कुरान की आयत है, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया। इंसान अपने नौकर से क्या कहता है, जिसको उसने अपनी खिदमत के लिए रखा, उसको महीने की तनख्वाह इसीलिए देता है कि तुम मेरे काम करो। अगर उस नौकर को वो मोबाइल पर कोई काम करता हुआ देख ले, वक्त ज़ाया करता हुआ देख ले, तो फौरन क्या कहेगा कि मैंने तुम्हें इसलिए मुलाजमत पर रखा है, मैं तुम्हें महीने की तनख्वाह इसलिए देता हूँ कि तुम मोबाइल पर बैठकर अपना वक्त ज़ाया करो, तुम मोबाइल पर मुख्तलिफ लायानी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करो, उठो जाकर ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, क्यों तनख्वाह ये दे रहा है? हमारा वो रब जिसने हमें पैदा किया, जो हमारे एक एक सांस का मालिक है, एक एक सांस का, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, हमारा जो मुकर्ररा वक्त है, जब वो आ जाएगा तो एक सांस ना आगे होगा ना पीछे होगा। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अल्लाह ताला की हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला का हम पर कितना बड़ा करम और फ़ज़ल है कि उसने हमें दुनिया में आज़ादी दी। बाज़ार भी जाओ, बीवी बच्चों के साथ भी वक्त गुजारो,
फैमिली को भी वक्त दो, कारोबार भी करो, पैसे भी कमाओ, सब काम करो, हलाल तरीके से करो, सब काम करो। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मोटा मोटा हिसाब करने के बाद 5 नमाजों का वक्त बहुत ज़्यादा भी अगर बनता है तो 24 में से 1/4 घंटा, पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 1/4 घंटा, उस 1/4 घंटे का वक्त निकालने के लिए भी हम, मैंने शायद पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे बाज दोस्त मस्जिद आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने उनको डंडे के ज़ोर पे भेजा है। इमाम साहब ने अगर नमाज़ 1 मिनट 2 मिनट लंबी कर दी तो उनके माथे पर शिकने पड़ जाती, उनके चेहरे पर नागवारी आ जाती है कि इमाम ने आज नमाज़ लंबी क्यों कर दी। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। और वही आदमी उसका घर बन रहा है, उसका घर बन रहा है, ठेकेदार काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर घर बना रहा है, तो ये आदमी न धूप की परवाह करेगा, न गर्मी की परवाह करेगा, न सर्दी की परवाह करेगा, एक टांग पे खड़ा होकर सारा दिन उस कॉन्ट्रैक्टर की और ठेकेदार की निगरानी करेगा। वहाँ उसको 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए, उसको कोई फिक्र और कोई परवाह नहीं होगी। मस्जिद में अगर 1-2 मिनट ज़्यादा लग गए, 5 मिनट ज़्यादा लग गए, तो उसके चेहरे पे नागवारी के तासुरात आ जाएंगे। आपने उसको किसी काम के लिए बाज़ार भेजा, किसी चीज़ के लाने के लिए बाज़ार भेजा, और वो काम ऐसा था कि उसका आना जाना 1 घंटे में हो सकता था, उसने 2 घंटे लगा दिए बाज़ार में, उसने 2 घंटे लगा दिए। अब जब वो वापस आया तो आपने अगर ज़रा सी भी नागवारी का इजहार किया कि तुमने 1 घंटे के बजाय 2 घंटे क्यों लगाए, तो वो उल्टा आप पर चढ़ दौड़ेगा, वो उल्टा आप पर नाराज़ होगा कि मैं तुम्हारे काम के लिए गया, मैंने वहाँ ये मुश्किल उठाई, ये मुश्किल उठाई, मुझे इतना सफ़र करना पड़ा, मुझे इतना घूमना फिरना पड़ा। तो दलील देगा बाज़ार में ज़्यादा वक्त गुजारने की कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन वही ज़्यादा वक्त अगर मस्जिद में गुजारना पड़ जाए तो उसकी तबीयत पर असर आ जाएगा। ये ऐसी बातें हैं कि हमें कभी तन्हाई में इन पे गौर करना चाहिए, हमें कभी अकेले में इसको सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है, मस्जिद में मेरे से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा जा रहा, तो ऐसा क्यों है। मैं अगर बाज़ार जाऊं, मैं दोस्तों की महफिल और मजलिस में बैठूं, तो घंटों बैठा रहूं, मेरी तबीयत पे ज़रा सी भी नागवारी नहीं आती। लेकिन अगर मस्जिद में मुझे थोड़ी सी देर भी ज़्यादा हो जाए तो मेरी तबीयत पे असर क्यों होने लगता है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, असल बात जो थी वो ये थी कि नमाज हमारे दीन का एक इंतहाई अहम रुकन है, और यहाँ आपके सामने नमाज की अहमियत और फजीलत बताना मकसद नहीं है, बल्कि मैंने जो असल बात शुरू की वो ये कि हम में से अक्सर हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे साथी, वो बचपन में जैसी नमाज उन्होंने पढ़नी सीखी, आज तक वो उसी तरह नमाज पढ़ते आ रहे हैं। कभी उन्होंने इसकी फिक्र नहीं की, इसको नहीं सोचा कि क्या हम ठीक नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में अदा किए जाने वाले कलिमात, नमाज में पढ़े जाने वाले अज़कार, क्या हम उनको ठीक पढ़ रहे हैं, खड़े होने का तरीक़ा, रुकू सजदा, ये क्या हम ठीक तरीके से जैसा करना चाहिए, जैसे हमारे नबी ने हमें सिखाया है, वैसा कर रहे हैं या नहीं। बहुत मशहूर वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक आदमी आया और उसने सलाम किया और उसके बाद नमाज़ पढ़ी, नहीं पढ़ी होगी नमाज, तो आपसे मुलाकात करने से पहले उसने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद
तेज तेज नमाज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, दोबारा खड़े होकर नमाज पढ़ो, तुमने जो नमाज पढ़ी है वो ऐसी है कि गोया तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं, यानी तुम्हारी ये नमाज कबूल नहीं है। तो खुदा के लिए हमें इस पर गौर करना चाहिए, क्या ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो नमाज़ें पढ़ते आ रहे हैं वो इतने गलत तरीके से पढ़ रहे हैं कि वो कबूल ही ना हो रही हों। जैसे दुनिया के और कामों के लिए और अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए हम बे इंतहा भाग दौड़ करते हैं, बे इंतहा कोशिश करते हैं, आप मुझे बताइए अभी अगर हमारे किसी अजीज़ रिश्तेदार को दिल की तकलीफ हो जाए तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? डॉक्टरों की छानबीन, कौन से हॉस्पिटल में कौन सा दिल का सबसे अच्छा डॉक्टर बैठता है, और फिर अगर किसी ने बताया कि फला डॉक्टर अच्छे हैं तो सिर्फ जबानी उस पर यकीन भी नहीं करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि 2-4 जगह से उस डॉक्टर के हवाले से मालूमात हासिल करें कि किसी ने मुझे बताया है कि फला डॉक्टर दिल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो मैं ज़रा 2-4 लोगों से मालूम कर लूँ कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। और कोई भी घर का काम हो, कारपेंटर से कोई काम करवाना है, लकड़ी की कोई चीज़ बनवानी है, जब तक 2-3-4 कारपेंटरों के बारे में हम मालूम नहीं करेंगे, उनके काम को नहीं देखेंगे, तब तक उसको ऑर्डर नहीं देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहाँ दीन का मामला आता है, जहाँ नमाज का मामला आता है, वहाँ शैतान हम पर हावी हो जाता है। शैतान हमें ऐसी गफलत में डाल देता है कि हम उसको एक गैर अहम चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। तो इस मुज़ाकरे का मकसद ये था कि हम सब आज ये नियत करें कि हमें अपनी नमाज को ठीक करना है, अपनी नमाज की इस्लाह की फ़िक्र करनी है, बल्कि मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि अपनी नमाज को चेक करवाना है। बॉडी का चेकअप होता है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बीमारियां इतनी आम हो चुकी हैं कि वो मशवरा देते हैं कि हर कुछ टाइम के बाद आदमी को अपना पूरा बॉडी का चेकअप करवा लेना चाहिए, तो क्या नमाज का नहीं करवाना चाहिए? तो इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, हम आज ये नियत और अहद करें कि हम अपनी नमाज की इस्लाह की फ़िक्र करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि वो नमाज ठीक होगी। मुमकिन है कोई एक चीज़, कोई 2 चीज़ें, कोई 3 चीज़ें जो हम ठीक ना कर रहे हों, जिनमें हम गलती कर रहे हों, तो इस फ़िक्र और इस सोच की वजह से वो भी ठीक हो जाएंगी, हमारी पूरी की पूरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो जाएगी, और इससे बड़ी सआदत हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।